नमस्कार, देश की बात में आप सबका अभिनंदन स्वागत। हिंदुस्तान इतना बड़ा देश, और केवल ये मसला नहीं कि देश बड़ा है, मसला ये कि विविधताओं से भरा देश है। सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, किसी भी पैमाने पर देख लीजिए, दुनिया के किसी बड़े मुल्क में इतनी विविधताएं हैं ही नहीं। दुनिया भर में जितने मजहब होंगे उनके सबके मानने वाले हिंदुस्तान में होंगे कम ज्यादा। 6000 के करीब जातियां हैं, उपजाति और गोत्र तो छोड़ दीजिए। एक 21वीं सदी भी है इसी देश में, और 18वीं सदी की स्थितियों में भी लोग रह रहे हैं इसी देश में। इतने विविधतापूर्ण देश में किसी नेता का अचानक से देश के राजनीतिक पटल पर इतना बड़ा हो जाना कि उसकी बात गारंटी लगने लगे जनता को, बड़ी बात है। जहां दो धाराएं हैं जिन देशों में, तीन धाराएं हैं मैक्सिमम, उन देशों में लीडरशिप करना तब भी सरल है अपेक्षा, लेकिन यहां तो पांच कोस पर वाणी बदले, चार कोस पर पानी। उस देश में पांच राज्यों की विधानसभा चुनाव में तीन बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने हिंदी भाषी भारत में जो जीत हासिल की, तो उसके बाद एक शब्द गूंजा, मोदी की गारंटी। तो मुझे लगा आज इस पर चर्चा करें हम लोग कि आखिर गारंटी वाला नेता बना कैसे जाता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसकी स्कूलिंग कहां होती है, इसकी पाठशाला है क्या कोई। करोड़ों लोग अलग अलग मत, मजहब और जाति और पंथ के मानने वाले, अलग अलग शैक्षणिक स्तर के, अलग अलग आर्थिक स्तर के, आप पर भरोसा करने लगे किसी एक शहर में। ये रास्ता बड़ा है, कठिन है। एक नारा लगता था कि इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, वो भी गारंटी जैसी ही बात थी कि भाई इंदिरा जी है तो हमें भरोसा है, इंदिरा गांधी ने कह दिया तो भरोसा, और जब तक देश ने भरोसा किया तो निभाया भी खूब। अब नरेंद्र मोदी उस स्टेशन पर पहुंच चुके कि वे मोदी कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं, मोदी ने कहा तो ठीक ही कहा, मोदी कह रहे हैं तो कर ही देंगे। जब भी कोई नेता इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो समझ लीजिए वो इस देश की राजनीति में उसका चरम काल मान ली, कि उसका कहा जनता को वचन लगे, बहुत बड़ी बात होती है। असामान्यता आप किसी से पूछिए तो आदमी क्या कहेगा, अरे नेता हैं भैया, इनकी बात का कोई भरोसा, यही कहेंगे ना। कहीं जाइए, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कहीं घूम आइए, सड़क पर उतर जाइए, किसी चाय के ढाबे पर जाइए, कहिए भाई हमारे एमएलए ने ऐसा कहा, हमारे नेता ने ऐसा कहा। आदमी के घरे कहाँ के चक्कर में पड़े हो भैया, ये नेता लोग हैं, इनकी बात कोई भरोसा है। जिस देश में ये हो कि इन नेता हैं तो इनकी बात का कोई भरोसा नहीं, उस देश में ही ये है कि मोदी ने कहा है तो गारंटी मानो, ये और भी बड़ी बात है कि नहीं। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान में राजनेताओं की विश्वसनीयता सबसे खराब दौर से गुजर रही है। नेता मतलब ना ना, अरे उनकी बात का कुछ नहीं, क्या बोले नेता तो बोलते रहते हैं। लो, उस दौर में आपकी बात का कोई भरोसा कर ले और उस भरोसे पर वोट दे दे तो बड़ी बात। एक उदाहरण देता हूं आपको, ये भरोसा क्या चीज है, इसको एक और उदाहरण समझाता हूं। केवल ये नहीं कि राजस्थान जीत गए, मध्य प्रदेश जीत गए, इसलिए ऐसा नहीं, इससे पहले की बात, पिछला लोकसभा चुनाव 19 का,
उसमें राहुल गांधी यानी गांधी परिवार के चश्मचिराग यानी देश की सबसे बड़ी बूढ़ी पुरानी पार्टी के सबसे ताकतवर चेहरे यानी वो पार्टी वो परिवार जिसने 40 साल तक राज किया इस देश में अखंड, उन्होंने कहा कि हम किसानों को अगर हमको वोट दो आप तो हम किसानों को 6,000 रुपया महीना देंगे। कितना? 6,000 रुपया महीना। 6,000 में गुणा करिए 12 का बारछंग 72,000 रुपया साल किसान को देंगे। हिंदुस्तान में पंजाब हरियाणा के कुछ किसानों को हटा दीजिए तो बाकी पूरे देश के लगभग हर किसान के लिए 6,000 रुपया महीना इतना है कि सुन के आने पर नहीं बैंक में सुन के कि आ सकते हैं भांगड़ा करने लगे क्या उसके घर में दिवाली मनने लगेगी कि 6,000 रुपया महीना अब तो बल्ले बल्ले है सब कष्ट खत्म जीवन के आनंद ही आनंद परमानंद वैकुंठ। नहीं, राहुल गांधी ने वादा किया था कि हम 6,000 रुपया महीना देंगे। इस वादे का मतलब हुआ कि गांव में वैकुंठ उतर आएगा किसान के घर में वैकुंठ उतर आएगा। क्या मोदी जी क्या कह रहे थे कि हम 6,000 रुपया साल देंगे दे रहे हैं और यही देंगे। ठीक, वो कह रहे 6,000 रुपया महीना देंगे और ये दे रहे थे 6,000 रुपया साल। अच्छा, इतना बौरा कोई है नहीं कि 6,000 और 72,000 में अंतर ना जानता हो। आप बताइए आपके आसपास कोई इतना बौरा है कोई इतना कम समझदार आदमी के आपने कभी देखा देश में कहीं भी जो ये ना जाने कि 72,000 ज्यादा होते हैं कि 6,000। फिर भी देश ने 72,000 वाले की बात पर भरोसा नहीं किया। क्यों? अरे नेता हैं भैया इनकी बात का क्या भरोसा। ये भाव रहा वहां, अन्यथा 72,000 रुपए साल में मिलेंगे एक किसान को इस बात पर तो कांग्रेस को 300-350 सीट मिल जानी चाहिए थी इस देश में। क्योंकि मोदी की सरकार नरेंद्र मोदी तो 6,000 रुपए साल दे रहे थे तो 6 वाले को हटाओ 72 वाले को लाओ। नहीं, ये वैसी बात थी कि किसी ने कोई आपको एक बताशा दे रहा है और दूसरा 1 किलो मोतीचूर का लड्डू का डिब्बा देने का वादा कर रहा है। ये अंतर है जो समझना है। जब आप बड़े नेता होते हैं तो जनता ये मानती है कि भले ही ये इनके विरोधी या इनके प्रतिस्पर्धी राजनेता ज्यादा दावा कर रहे हैं बड़े बड़े दावे कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनकी बात का भरोसा नहीं है इसलिए उनके उसको वोट नहीं। जैसे एक और उदाहरण देखिए, छोटी मतलब बहुत बड़ा उदाहरण है ये भी, राजस्थान में चिरंजीवी योजना कांग्रेस की गहलोत सरकार ने अनाउंस की और चुनाव के वक्त चुनाव के समय सरकार ने उसमें 50 लाख रुपए का बीमा घोषित कर दिया। क्या? एक कार्ड पर 50 लाख का बीमा हेल्थ इंश्योरेंस। पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा कैसे होगा फिजिबल होगा कि नहीं अलग बात है लेकिन बात तो बड़ी थी। 50 लाख रुपए की गारंटी इलाज की छोटी बात है क्या? इसके बाद तो सब कष्ट दूर। आयुष्मान भारत का कार्ड तो 5 ही लाख रुपए की गारंटी देता है ना, 5 ही लाख रुपए का इलाज करा सकते हैं। अशोक गहलोत ने 50 लाख कर दिया यानी 5 लाख में गुणे 10 गुना बढ़ा दिया। लोगों ने कहा कि अब इसके बाद तो भाजपा का कोई चांस ही नहीं राजस्थान में क्योंकि इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक अशोक गहलोत ने खेल दिया है। राहुल गांधी उस 50 लाख के का जो वो किया था 25 से 50 लाख में जो तब्दील किया था इंश्योरेंस उसका प्रमोशन करने खुद राहुल गांधी जयपुर गए अस्पतालों में गए और बड़े फलक पर कांग्रेस ने उसको प्रचारित किया। लेकिन उसके बाद भी राजस्थान में गहलोत की पार्टी हार गई कांग्रेस हार गई। क्यों?
50 लाख का बीमा देने का जिसने वादा कर दिया, वो पार्टी क्यों हार सकती, कैसे हार सकती थी? और वो भी किसके मुकाबले? 5 लाख रुपए का बीमा, 5 लाख रुपए का कार्ड, आयुष्मान भारत। 5 लाख वाले की बात पर भरोसा किया जनता ने, 50 लाख वाले की बात पर भरोसा नहीं किया। क्या ये भी उदाहरण वैसे ही नहीं है 6,000 और 72,000 जैसा? सोचिएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आप रसमलाई की बाल्टी भर के रसमलाई देने का वादा कर रहे हैं और आदमी आपके पास नहीं आ रहा। अगला कह रहा गुड़ के गुलगुले हैं यही मिलेंगे, खाना वो खाओ, इससे आगे कि हम वादा नहीं करेंगे। आदमी गुलगुले वाले के यहां लाइन लगा के जा रहा है, इसका क्या अर्थ निकाले? कुछ तो अर्थ निकालना होगा, कोई तो नैरेटिव बन रहा होगा। उस क्योंकि जनता को भरोसा है जो लाइन में लगे हैं गुलगुले वाले के यहाँ, कि यहाँ गुलगुले मिलते रहेंगे। रसमलाई वाले का भरोसा नहीं, रसमलाई की बाल्टी की फोटो दिखा के गायब हो जाए, यही होती है बात। इसी को कहते हैं गारंटी। सरकारों की गारंटी नहीं चलती मित्र। क्या सरकारों की गारंटी चलती होती तो 50 लाख की का बीमा वाली योजना गहलोत सरकार की चल गई होती। चेहरे की गारंटी ये देश मानता है। जो बोल रहा है नेता उसकी विश्वसनीयता कितनी है जनता में? नरेंद्र मोदी ने वो आसन पा लिया कि जहां उनकी बात भारत का सामान्य जन भरोसे लायक मान रहा है। मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। क्योंकि अगर जनता आपके कहे पर भरोसा ही नहीं कर रही तो सारे जतन बेकार, फिर आप कोई वादा करिए, कोई दावा करिए, नहीं। और जनता भरोसा कर रही है अगर आपके कहे पर, तो आपका छोटा वादा भी वो स्वीकार कर लेगी, आपका छोटा दावा भी स्वीकार कर लेगी। जैसे 6,000 बनाम 72,000, 6,000 वाले के साथ जनता चली गई, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड और 50 लाख का हेल्थ बीमा राजस्थान में, दो में के बीच में मुकाबला था, जनता 5 लाख वाले के साथ चली गई। यही गारंटी का खेल है जो व्यक्ति के कंठ से आती है, और इस वक्त वो देश में नरेंद्र मोदी का कंठ है जिस पर जनता भरोसा कर रही है। और अभी वो स्थिति कोई और राजनेता पाए, उसके लिए देश में जितने समकालीन राजनेता हैं उनको एक लंबी यात्रा तय करनी है। क्योंकि भारत की आजादी के अब तक, आजादी से अब तक के इतिहास में बहुत कम नेता राष्ट्रीय फलक पर ऐसे हुए हैं जिनकी बात पर जनता भरोसा करती हो रही हो, जिनकी बात को गारंटी मानती हो। इस दृष्टि से भी सोचिएगा इस पूरे प्रसंग को, पूरे परिप्रेक्ष्य को। धन्यवाद।